पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के करीब 9 दिन गुजर गए, 10वां दिन शुरू होने वाला। उसके बावजूद भी उत्तराखंड में सरकार गठन की तारीख और नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं किया जा सका। मीडिया में आ रही खबरों पर भरोसा किया जाए तो उत्तराखंड के विधायकों का ये इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला। कल यानी रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। हो सकता है कि औपचारिक ऐलान भी कुछ देर के बाद हो जाए, जिसके बाद आपसी सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मोहर लगाए नाम पर। मोहर वैसे माना जा रहा है कि लग चुकी होगी, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस इसलिए बना हुआ है और बीजेपी आलाकमान इसलिए पशुपेश में है क्योंकि सीएम का चेहरा रहे धामी खुद चुनाव हार गए। सीएम कैंडिडेट पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधानसभा की चुनाव से सीट से हार गए। ऐसे में पार्टी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि मुख्यमंत्री के नाम का चयन करना है, लेकिन किसका? खबरें कई हैं। पार्टी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी अड़चन ये है कि पार्टी के अंदर ही विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी है। अब पार्टी में कई धुरंधर हैं। पार्टी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और बिना आपसी सहमति से मुख्यमंत्री का चयन करना पार्टी के लिए मुश्किल है। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है और पार्टी के धुरंधर दिल्ली दौड़ रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के केंद्रीय प्रवक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह प्रवक्षक बनाया। खबरें हैं कि रविवार को विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें ये दोनों प्रवक्षक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने वालों की दौड़ में कई दिग्गज नेता शामिल हैं, लेकिन फिर भी चर्चाएं ये हैं कि पुष्कर सिंह धामी उस रेस में अभी भी आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत की चाहत किसी से छिपी नहीं है, अनिल बलूनी का नाम दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने हर बार सरप्राइज दिया है। इस बार भी सरप्राइज देगी बीजेपी, माना यही जा रहा है। मंत्रिमंडल में बीजेपी नए चेहरों को शामिल करना चाहती है। मंत्रियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, पुराने कई नाम हट सकते हैं, लेकिन सीएम को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार बंद लिफाफे में होगा किसका नाम। लेकिन पहले ये दो बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तत्वों से बातचीत हुई है, जैसे ही वहां से कंफर्म सूचना मिलेगी हम आपको विधिवत रूप से कहां बैठक होगी, किस समय होगी, आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। विधायकों को कोई संदेश भिजवाया कि देहरादून पहुंचे? विधायक अधिकतर देहरादून में हैं, बाकी सभी लोग आज कुमाऊं में होली के पर्व के बाद सभी लोग उधर से निकलेंगे, तो मैं समझता हूं कि सभी को इस चीज़ की जानकारी है कि हमें अगले 2-3 दिन में सरकार को फॉर्म करना है, तो इसलिए सभी लोग देहरादून में आ रहे हैं। अगले 2-3 दिन में जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे, बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। देखिए, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि जिन्होंने 6 महीने सरकार को संभाला और 6 महीने संभालने के बाद में एक बड़ा मिथ था कि जिनकी सरकारें पहले बनी होती है दोबारा वो लौट कर नहीं आती है, इस प्रकार का मिथ बना हुआ था। और मुझे लगता है कि उस मिथ को तोड़ने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको तय भी किया और 47 सीटों के साथ में हम लौट के भी आए हैं। हर मामलों में एक अपवाद होता है और मुझे लगता है कि उनके मामले में भी एक अपवाद प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि वो बनते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और एक युवा मुख्यमंत्री हैं, एक अवसर, क्योंकि पिछले समय भी उनको समय कम मिला था, एक अवसर उनको मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहूँगी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो चलिए।